Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you're doing well. Greetings to you. So in today's episode, we're going to discuss chapter 8, body movement of class 6th NCERT. So abhi tak humne kya discuss kiya tha? Previous video mein earthworm humne discuss kiya tha properly. Ab hum discuss karne wale hain snail ke bare mein. Okay? So snail hum sabko pata hai kaisa hota hai? Snail ki body hoti hai and then uske upar ek shell hota hai. Jaise turtle ke upar hota hai, aise snail ke upar bhi shell hota hai. Wo shell actually mein protection ke liye hota hai. Wo movement mein help nahi karta. Alright? So ye humne pehla point mein hi humne kafi sare doubt apne clear kar liye. Before discussing snail, aap mere side mein snail ki picture dekho so that aapko recall ho jaye ki snail dikhta kaise hai. Right? Dekha aapne sabne? Okay. So ab hum dekhte hain snail ke bare mein pehle shell ko hi thoda sa dekh lete hain ki shell hai kya, kisse bana hai, kya karta hai and everything. Okay? So it has shell. Snail ke upar shell hota hai, abhi humne picture mein bhi dekha. It is outer skeleton of the snail. Outer skeleton kyun bola humne? Kyunki body ke bahar hai. अगर बॉडी के अंदर होता तो कौन सा स्केलेटन होता? इंटरनल स्केलेटन बोलते फिर हम उसको या फिर इनर स्केलेटन बोलते. बट अभी हमने क्या बोला? आउटर स्केलेटन, क्योंकि बॉडी के बाहर है. ओके, जो शेल है वो बोन नहीं है. वो किसका बना है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना है. ओके, हमारी जो बोन्स होती है ना वो प्रोटीन की बनी होती है. प्रोटीन होता है कोलाजन टाइप का प्रोटीन होता है. प्रोटीन की एक फर्दर फॉर्म है जिसको हम कहते हैं कोलाजन. उससे बनी होती है हमारी बोन्स एंड कैल्शियम फॉस्फेट से. ओके, कैल्शियम हमारी बोन सिर्फ स्टोर करती हैं, कैल्शियम से बनी नहीं होती. कैल्शियम स्टोर करती हैं, जिस भी बॉडी पार्ट को कैल्शियम की जरूरत होती है वहां पे फिर ब्लड के थ्रू वो उसको ट्रांसपोर्ट करती हैं. ओके, तो ये डाउट आज आपको क्लियर हो गया कि हमारी बोन प्रोटीन से बनी है, कोलाजन से बनी है. ओके, पर शेल किसका बना है? शेल बना है कैल्शियम कार्बोनेट का. शेल कैल्शियम का बना है. ओके, शेल इज अ सिंगल यूनिट. सिंगल यूनिट क्यों बोला हमने? क्योंकि पूरा शेल एक ही है, बहुत सारे पार्ट्स ऐसे ज्वाइंट नहीं है. ओके, सिंगल है. And it does not help in movement. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, दोबारा बता दिया कि movement में कोई भी shell का participation नहीं है snail की. Okay? Shell protect the body of snail. आपने देखा होगा जब भी snail को थोड़ा सा भी danger feel होता है तो वो आगे से front से and back से उसकी body निकली होती है shell में से, वो उसको अंदर ले लेता है protection के लिए. तो actually में shell क्या कर रहा है? Snail की body को protect कर रहा है, क्योंकि snail की body सिर्फ किसकी बनी है? Muscles की बनी है, bones तो है नहीं. तो वो बहुत ज़्यादा कोई भी ऐसे उसके ऊपर हाथ रखेगा वो तो दब जाएगा, खत्म, बंद, मर जाएगा. राइट? तो उसको एक आउटर प्रोटेक्शन चाहिए थी. तो दैट्स वाई उसकी बॉडी पे क्या है? शेल है जो उसको प्रोटेक्शन देता है. ओके, तो ये हमने सब देख लिया. स्नेल की जो मूवमेंट है वो एकदम अर्थवॉर्म जैसी ही है. स्नेल के भी नीचे ऐसे छोटे छोटे फुट्स होते हैं, बहुत स्ट्रांग मसल के होते हैं. वो भी कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी से क्रॉल करते हैं. और स्नेल की बॉडी कंटिन्यूअसली म्यूकस सेक्रेट करती है सो दैट जब वो मूव करे तो थोड़ी सी मूवमेंट क्या हो जाए? फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाए तो मूवमेंट थोड़ी ईजी हो जाए. ओके, हैम्पर ना हो ज़्यादा, फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाए. ओके, तो ये हमने स्नेल डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं कॉकरोच के बारे में. ओके, सो अब हम देखते हैं कॉकरोच के बारे में. कॉकरोच तो हम सबने बहुत देखे हैं. राइट? आप मेरे साइड में पिक्चर देखो सबसे पहले कॉकरोच की. ये कॉकरोच है. ओके, कॉकरोच तीन तरीके की मूवमेंट हमें शो करता है. ओके, अभी आपने कॉकरोच देखा, अब देखो वॉक भी करता है, क्लाइंब भी करता है एंड फ्लाई भी करता है. जो एडल्ट कॉकरोचेस होते हैं उनके पास विंग्स होते हैं दैट हेल्प देम टू फ्लाई. ओके, कॉकरोच के पास थ्री पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, मतलब टू ईच साइड, टोटल कितने हो गए? सिक्स लेग. ओके, तो बॉडी इज कवर्ड विथ हार्ड आउटर स्केलेटन. जो सारे इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, उन सब की बॉडी बाहर से एक आउटर स्केलेटन से कवर होती है ताकि उनकी बॉडी की प्रोटेक्शन हो. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं आउटर स्केलेटन जो होता है ना उसके ऊपर नंबर ऑफ प्लेट्स होती हैं. मतलब ऐसे पूरा एक ही स्केलेटन नहीं है, सिंगल स्ट्रक्चर नहीं. जैसे हमने देखा था शेल क्या था? सिंगल यूनिट था. बट ये सिंगल यूनिट नहीं है, इसमें अलग अलग प्लेट्स हैं ताकि कॉकरोच की मूवमेंट भी रहे, थोड़ा वो फ्लेक्सिबल भी रहे, ऐसे रिजिड ना हो जाए. ऐसे हमें पता है हमारा ये वाला जो पार्ट है ये रिजिड है क्योंकि यहाँ पे जॉइंट्स नहीं है. बट यहाँ वाला ये जो पार्ट है ये क्या है? यहाँ पे हिंग जॉइंट है, यहाँ पे ये रिजिड नहीं है. इन द सेम वे कॉकरोच की जो बॉडी है वो एक ही पूरे ऐसे आउटर स्केलेटन से नहीं बनी, उसमें प्लेट्स हैं, बीच बीच में स्पेसेस हैं ताकि उसकी बॉडी क्या रहे? थोड़ी मूव कर पाए, फ्लेक्सिबल रहे. ओके, नेक्स्ट देखते हैं इनके जो विंग्स होते हैं वो टू पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, टू ईच साइड. टोटल कितने विंग हो गए? फोर हो गए. ओके, तो बॉडी, और पता है विंग्स को कंट्रोल कौन करता है? बॉडी की मसल कंट्रोल करती हैं. बॉडी की जो मसल्स हैं वो विंग्स को कंट्रोल करती हैं जब कॉकरोच फ्लाई करता है. ओके, तो वॉक करते हुए तो हमने कॉकरोच को देखा ही है, क्लाइंब करते हुए भी देखा है. क्लाइंब पैर हैं उसके पास, लेग्स हैं, लेग्स बहुत प्रोमिनेंटली हमें दिखते भी हैं. अर्थवॉर्म और स्नेल की तरह तो है नहीं कि हिडन है और बहुत छोटे छोटे हैं, नहीं, बहुत ही प्रोमिनेंटली हमें दिखते हैं. कितने पैर हैं आपको पता चल गया, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. विंग्स के कितने पैर हैं ये हमें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. आउटर बॉडी जो किससे कवर है? आउटर स्केलेटन से कवर है, जो बहुत हार्ड है, जो उसकी बॉडी को प्रोटेक्शन देता है. ओके,
ये सारी बातें हमने कॉकरोच के बारे में करी. कॉकरोच की एंड स्नेल की, दोनों की मूवमेंट की एक एक छोटी छोटी सी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाली है. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप वो वीडियो भी देखना, सो दैट आपको बिल्कुल क्लियर कट आइडिया हो जाए कि कॉकरोच कैसे मूव करता है एंड स्नेल कैसे मूव करता है. ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.